हेलो दोस्तों, राम राम जी। और कालू, ये कालू ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आज जा रहे हैं मीख खोदने। कल आधी ईख खोद दी थी और आज आधी रह रही, तो ईख खुदाया को भी बुलाया आज। तो भाई आज जा गए ईख खोदने, और तुम्हें भी दिखाओगे तो सीधे मिलते हैं हम 12 बजे आगे अपनी। भाई गेहूँ हमारे कट रहे, थोड़े से रह रहे आधे, और 12 वाली हमारी बोरी। सूरज भी सहज सहज निकटने को हो रहा। बस दोस्तों, बड़ा जी खुशी कपड़े बदल लिए हमने, और भाई अभी फावल उठा कर और चला है अपने काम। तो पहला ये चाबी टांग दू कड़ूर की, चाबी कड़ूर की। और भाई फावल उठा रहा हम अपने, जो कि हमारे हथियार है। एक ही हो रहा अब ले चले गए ना खेत पे। लो जी आ गया अपने खेत में। और भाई जो है मान लो धुर की धुर लो, अरे डोल से इधर का तो खोद गया, अरे इधर का रह रहा जो आज खोद देगा हम। तो चलो अपने काम पे लगते हैं। अयो यो एक लाइन तो कर दी मैंने, ये वाली। अब इस वाली पे चल रहा, ये उधर हमारा फावड़ा। फावड़ा भी थक गया और मैं भी थक गया। तो भाई मिलते हैं अब जा इसे खोदने के बाद में सारे को। तो चलो। तो भाई वो सारा तो खुदा नहीं, अब मैं आ गया भाई पानी देखने, क्योंकि मुझे अलग खेत में पानी भी चलाना था। तो अब ये पानी इतना सहज सहज जान लग रहा है, इतना मैं नक्के देख लूँ इतना वो पानी चलेगा। ये नक्के नुक्के तो भाई ये ठीक बूंद दिए थे मैंने, और भाई पानी भी खेत लो आ गया। पानी ठीक ठाक चल रहा, थोड़ा सा निकला था नींगे को पानी साइड में को, तो वो मैंने मून दिया था। यहाँ को निकला था कहाँ को, यहाँ को। तो भाई वो मैंने मून दिया है भैया। पानी करके मैं आ गया था अपनी 12 पे, और भाई पापा जी ने कहा कि खाना लाना मजदूरों के लिए। तो मजदूर मन रहे हमारे खेत में, तो अब मैं लेने चलता हूँ उनके लिए खाना। तो अब तो मैं दिखाऊँ एक छोटे से बच्चे को मैंने बोतल भर के दी पानी की। अभी तो गया बिना, अभी दिखाऊँ, रुक जाओ अभी दिखाऊँ। यहीं है अभी तो, इतनी बोतल इतना वो रखोगे तो मजदूर मन रहे हैं। और भाई योरा इतनी बोतल है और इतना यो है, कैसे लेकर जा रहा बोतल उठ नहीं रही इस पर। तो भाई अब मैं चलता हूँ खाना लेने के लिए। लो जी मैं आ गया घर, और भाई हमारी मम्मी मैंने आके देखा, तो मम्मी ने रोटी तैयार कर रखी थी। मैंने शीशे में देखा, मका मैं काला हो गया मका। फिर मैंने देखा मम्मी ने रोटी पैक करना लग रही थी मम्मी, और भैया रोटी पैक कर दी थी दो टिफिन में। और फिर झोला ढूंढने में देर लग गई, झोला नहीं मिला। फिर भैया मुझे पीला सा झोला मिला, ये जो मेरे हाथ में, और मैंने ये झोला ले लिया। और फिर अब जा यो खड़ी मेरी साइकिल बाहर है। कहाँ साइकिल योरी जी? रोटी तो ले आया मैं ये घर ही, अब उसे खा पी था फिर मंडे से खेत पर। ये रोटी रोटी तो खा ली अब जा। अरे टिफिन में ये धरे टिफिन खा ली, अभी ना भाई झोले में धरेंगे। तो झोले में धर के अब फिर अपना एक होगा दवाई, तो उसे ड्राम में भरेंगे। तो मैं ड्राम भी दिखा दूँ पहले, फिर हम चलेंगे जहाँ हम 12 योरा ड्राम। फिर मैं वहाँ जम्मा जहाँ भाई वो 12 चला का आया था, नक्का कर का आया था, देखूँगा 12 वाल का नक्का टूट सुन रहा। भैया मैं आया था खेत पर, पर भाई खेत थोड़ा थोड़ा भर सी गया, तो अब 12 जा करेंगे बंद। भाइयों खेत तो भर गया है, ये देखो 12 बंद कर दी मैंने। अब चले गए हम अपनी 12 को। भाइयों मैं अभी आ गया हूँ अपनी 12 पे, और भाई सारा काम कंप्लीट हो गया ईख को खोदने का। और एक क्यारे में पानी भी चला दिया हमने, जिस क्यारे में हमने टंकी धरी। तो भाई हल्का सा आ रहा थोड़ा, मैंने सोची इसमें का थोड़ा नहाया जाए। तो चलो नहा दोगा फिर करेगा आराम, अभी पहले नहा ले। तो दोस्तों ये है मेरा वीडियो बनाने का जुगाड़। तो मैंने धर दिया अपनी 12 की छत पर फ़ोन स्टैंड लगा कर, ताकि नहाने का पूरा व्यू दिखे। तो भाई यो धर दिया मैंने 12 पर फ़ोन,
और भाई पूरी ट्वेल चमक रही थी। मैंने दो तीन बार में जाकर वो आयो क्योंकि फ़ोन ठीक तरह सेट नहीं बैठ रहा था। और फिर भैया मैंने देखा, फिर मैं नहाया बढ़िया तरह, और भाई नहाने में एक नंबर का मज़ा आ गया था क्योंकि दो तीन बार हो गया था भाई मैं देखूँ बार बार, कभी मुँह नहीं आता कभी टांग नहीं आती। तो अब का भाई फ़ोन ठीक आ गया था और कहीं देर हो ली मुझे, आधा घंटा हो लिया होगा कम से कम नहातो नहातो। और भाई फ़ोन आखिरी में आकर स्टार्टिंग में बढ़िया तरह लग ही गया और नहाने में पूरा मज़ा आ रहा था क्योंकि आल कसम था मैं, और शरीर भी गर्म हो रहा था। और भाई शरीर पर पूरी मट्टी चिपक रही थी क्योंकि ईंक वाँक खोद दी थी, सूखी ईंक थी मतलब कि सूखी धरती थी तो धूल उड़ रही थी, तो शरीर पर आकर बैठ रही थी वो पसीने में। तो भाई पसीने में एकदम जैसे नहावे तो बुखार भी हो जा, तो मैंने पहले तो पसीना सुखाया हवा में और भाई फिर नहाया और मज़ा आ गए थे एक नंबर का। आँखों आँख भी गर्म हो रही थी ना तो आँख भी ठंडी हो गई थी। और भाई अब जा करेंगे थोड़ी देर में आराम नहानू के, तो चलो अभी ना मांझ लूँ चपली को, चपली है मेरी नीचे गिर गई एक तो, अरे एक धरी है दीवार पे। तो भाई पैर पूर मांझ के एक डुबकी और लगा के अब फिर मैं चलूँगा अब जा कपड़े बदलने। तो भाई ये बाबू भाई कहते हैं हमें बाबू भाई, तो चलो एक चपली प्योरी, एक चपली उठा ली भैया मैंने। और भैया अब जो चलेगा हम कपड़े बदलने। तो लो जी नहा धो का हो गया मैं ओल्ड सेट, और भाई अब जो थोड़ी देर करेंगे आराम क्योंकि पानी चल रहा हमारे खेत में, तो इतना पापा आवे इतना करेंगे आराम और फिर चलेगा हम घर को। और हमारी साइकिल भी खड़ी, गर्म होगी साइकिल भी भाई धूम में, और धूम पारती हाँ यहाँ खड़ी थी साइकिल। और भाई मका यहीं खड़ी रहो अब जो तू छा मई क्योंकि गद्दी हो जा गर्म फिर पिछवाड़ा जल जा। तो भाई आप थोड़ी देर करेगा आराम आप फिर चलेगा हम घर को। भैया मैं आ गया था घर, और भाई अब जल्दी कड़वान चले गन्ने का जूस क्योंकि हमने अपनी बुग्गी में से गन्ने काट लिए थे, तो चलते हैं गन्ने का जूस लिखवाने। तो लो जी गन्ने तो बांध लिया मैंने, और भाई अब जो चलेंगे डिब्बा भी धल जाए 5 लीटर का, और मैं आ गया अब जा गन्ने वाले की दुकान पर जहाँ मेरे जानने पहचानने के हैं। तो भाई इन्होंने हमारे गंडे खड़े और इन्होंने रस ऐसा काट दिया बिल्कुल एक एक दो दो बार लगा के गंडों को। तो भाई रस लिखवा के और भाई अब जो चलेंगे घर को, फिर एकदम फ्रेश रस आ रहा है क्योंकि हम अपने गंडे धो कर लाए थे बढ़िया से मांझ के, जिससे बर्तन मन जाए उससे मांझ दिए थे हमने गंडे। और भाई अब जो रस तो निकल गया सारा, अब इसमें छान दिया इसे डिब्बे में, और डिब्बे में छान के अब ले चलेगा हम घरों, और घर जा कर फिर आराम से पिएगा इसे। तो चलो चलते हैं घर को। तो भाई घर तो आ गया था मैं, और हमारी मम्मी गिर रही थी इसमें बर्फ़ क्योंकि हमने फ्रिज में बर्फ़ जमा रखा था, मन मना कर दी थी बर्फ़ गिरने को। तो भाई मम्मी ने बर्फ़ गिर दिया है, और भैया मैं आया फिर फोम में, फिर मन ने गिरा काला नमक क्योंकि अगर हम काला नमक गिरवा के लाते तो ये बेकार हो जाता क्योंकि यो एकदम तो पिया नहीं जाने का, दो तीन टाइम में पी लेंगे इसे अपने घर का ही है, तो इसने इसे फ्रिज में धर देंगे। मम्मी ने फोड़ के इसमें बर्फ़ गिर दिया और पीने लाग का भी, तो भाई पापा भी पी लेंगे और मम्मी भी पी लेगी और मैं भी और बहन भी। तो भाई ये मैंने करवा लिया अपने लिए, इसमें से थोड़ा सा मम्मी को भी दे दूँगा, तो अभी के लिए इसे पहला कर दूँ मैं ठंडा, और ठंडा करके फिर पिएगा इसे आराम से। तो भाई चल रहा है कार्य प्रगति पर, वैसे महक से ही पता चल रहा रस कैसा लगेगा, पी के बताएंगे और रस कैसा लगेगा। तो मम्मी तो हमारी उठ ली क्योंकि मैं मैकेनिक बन रहा थोड़ा सा। तो भाई अब घोल के और देंगे मम्मी को पहले। फिर मैंने कहा मम्मी से मकरी ले पकड़, वो मेरी थोड़ा दे, अरे मका सटक ले पर को मैंने थोड़ा कर दिया। फिर मम्मी ने मेरे हाथ में से ले गए और भैया और थोड़ा कर दिया, तो भैया सट कर नहीं जा रहा और मेरे से पीछे जग भर के पी लेगी। तो भैया मैंने भी एक गिलास भर के पी लिया। दोस्तों जूस पी कर मैं आ गया अपनी वीडियो को एडिट करना, और भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई
वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई सपोर्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई क्योंकि वॉच टाइम जो होगा वो घट रहा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरा 1 साल पूरा होने वाला अब जब। और भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो बस, क्योंकि वीडियो को शेयर कर दो, लाइक ना करो बस, वीडियो को पूरी देख लो और भाई वीडियो को शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।